हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस खास वीडियो में बताएंगे आप इंस्टाग्राम की जो रील्स वीडियो होती है वो फोटो से विद म्यूजिक के साथ कैसे बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, आपके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपके लिए यहाँ पे सर्च बार में आपको इंसर्ट सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके लिए यहाँ पे इंसर्ट को डाउनलोड कर लेना है। आपके लिए इस ऐप को डाउनलोड करने में कोई परेशानी होगी। आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इंसर्ट को टच करके आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपके लिए यहाँ पे वीडियो वाले पर टच कर देना है। टच करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके लिए फोटो वाले पर टच करना है कि यहाँ पे फोटो वाले पर टच कर दूँगा। टच करने के बाद आपके लिए जैसे कि आपके लिए इंस्टाग्राम की जो रील्स वीडियो होती है वो 15 सेकंड की बनती है। यहाँ पे आप जो आप यहाँ पे उसी हिसाब से आप फोटो ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 10 फोटो या 15 फोटो ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे मैंने ये फ़ोटो ले ली है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगभग यानी कि 11-12 फोटो ले लिए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टच कर दूँगा अब सही के निशान पे। टच करने के बाद आप क्या करना है, आपको यहाँ पे स्पीड वाले पे टच करना है। जैसे कि यहाँ पे स्पीड वाले पे टच करना है। जैसे कि ये टच कर दिया मैंने। ठीक है, अब उसी हिसाब से जितने आपने फ़ोटो लिया उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम ले लेंगे। जैसे कि बन का मैं यहाँ पे 0.6 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही के निशान पे टच कर देना है। टच करने के बाद आपके लिए अप्लाई टू ऑल करना है। ठीक है, टच करने का इसके आप ये यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड देखना है। बैकग्राउंड पे टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे अब सबसे बेस्ट बैकग्राउंड होता है ये वाला मेरे अकॉर्डिंग। जैसे कि इसके मेरे आप यहाँ पे आपको यहाँ पे इस पर टच करके अप्लाई टू ऑल कर देना है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा। ठीक है, और बेस्ट करने के लिए अपने इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो को आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कोई यहाँ पे म्यूजिक ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये म्यूजिक ले लूँगा मैं, आपको इस पर टच करके ये टच करना। आपको अपनी गैलरी में से लेना कोई म्यूजिक तो आप इस पर टच करेंगे। ठीक है, माय म्यूजिक पे आप कोई सा यहाँ पे ले सकते हैं अपने उसमें। आप इस पर टच करेंगे जैसे कि माय म्यूजिक। ठीक है, इस पर टच करेंगे जैसे कि। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बैग आ गया तो यहाँ पे माय म्यूजिक पर ले लेंगे। मैं इस पर टच करता हूँ अभी, फिर अभी यूज करेंगे। आप उस पर टच करने के बाद आपके लिए यहाँ पे एडिट वाले पर टच करना है। टच करना है यहाँ पे कोई सा ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी ये यहाँ से अब मैं इसे पीछे कर लूँगा। जैसे कि ये यहाँ से ये यहाँ पीछे ले लूँगा अभी ये 1 सेकेंड। फिर आपके लिए कहना वॉल्यूम 100% आप यहाँ पे 200% कर देंगे। इसकी 200% मैं कर दे रहा हूँ, उसी हिसाब से वॉल्यूम में आएगी। जैसे कि सही यहाँ पर टच करने पर आप ये सुनिएगा। जैसे कि अभी ये ठीक है, तो विद म्यूजिक ये हो गया। आप सही निशान पर टच कर देंगे। टच करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे और बेस्ट करने के लिए आप ये फ़िल्टर लगा देंगे। यहाँ पे फ़िल्टर पे लगाने के लिए आप इस पर टच करेंगे। फिर आपके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके लिए जूम आउट लगाना, जूम आउट लगा सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ फ़ोटो पर जूम आउट लगा दे रहा हूँ, कुछ फ़ोटो पर और बेस्ट करने के लिए और भी लगा दूँगा। यहाँ पर टच करेंगे यहाँ पे ये थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इस पर बढ़ाने का। फिर यहाँ पे फिर टच करना इस पर। मैं कुछ पे ये वाला लगा देता हूँ जैसे ये वाला। ठीक है, फिर अब ये यहाँ पे लगा देता हूँ जैसे कि। और अब मुझे सभी फ़ोटो पर यही लगाना है, तो मैं यहाँ पे इसके अलावा ये फोटोग्राफर खींच दूँगा, यहाँ पे बराबर कर दूँगा। फिर इस पर यहाँ पे सही के निशान पे टच कर देना है। ठीक है, अब यहाँ अब ये देखिएगा, आप शुरू से देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, आप और क्या कुछ करना चाहते हैं, हम यहाँ पे पीप वाले टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे कोई सा भी जैसे कि आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये अपना चैनल का ये लोगो ले सकूँ यहाँ पे पीछे करके। आपको यहाँ पीछे आना, जैसे कि इसको बराबर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा आगे चल गया, यहाँ पे बैक यहाँ पे टच करके हम डिलीट कर दूँगा क्योंकि ये बैक हो गया। तो यहाँ पे शुरू से लगाएंगे। तो उनके लिए आप यहाँ पीप पर टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे मैं अपने ये वाला लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब ये यहाँ पे उसी हिसाब से यहाँ पे ये रख दूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ये रख दूँगा उसे। अब मैं अभी सभी फ़ोटो पर यही हमें ये आएगा, ये देखिएगा। ठीक है, अपन नहीं लगाना था यहाँ पे, उस पर टच करना है। टच करने का पहले डिलीट वाले पे टच कर देना, अभी आपके किसी पर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आप जितना भी इसमें टाइम लगाएंगे इस ऐप में उतने ही आपकी बेस्ट एंड बेस्ट इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो फोटो की बनेगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, लास्ट में आपको यहाँ पे सेव वाले पर टच करना है। टच करने के बाद आपके यहाँ पे 1080 पर टच करेंगे, फिर आपको सेव पर टच कर देना। फिर उसी क्वालिटी में आपकी डाउनलोड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ब्रेक आ चुके हैं कुछ। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे ब्रेक स्किप करना चाहूँगा। तो यहाँ पे ये ब्रेक को मैं स्किप करूँगा, यहाँ पे ये मैंने ब्रेक को स्किप कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको गैलरी में दिखा देता हूँ विद म्यूजिक के साथ ये डाउनलोड हो चुका होगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए विद म्यूजिक के साथ गैलरी में दिखा देता हूँ ये डाउनलोड हो गया होगा। ये इसकी ये अभी ओपन हुआ गैलरी, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ये वाला मैंने ये डाउनलोड की थी, तो ये यहाँ पे ये आ चुकी है, ये देखिएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे
डाउनलोड होगी तो आप यहाँ पे गैलरी से आप अपने इंस्टाग्राम पे आराम से लगा सकते हैं दोस्तों। यदि आपको नहीं लगानी है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब।